आगामी विधानसभा चुनाव में आप किस दावेदार का सपोर्ट करते हैं? हम तो कांग्रेस को करेंगे, बीजेपी को, कांग्रेस के समर्थन, भाजपा का, अशोक गहलोत, भारतीय जनता पार्टी, जितेंद्र श्रीमाली, जितेंद्र श्रीमाली, कांग्रेस, कालीचरण सराफ, जितेंद्र श्रीमाली, बीजेपी के, कांग्रेस को, जितेंद्र श्रीमाली, बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी के साथ ही हम जितेंद्र श्रीमाली, जितेंद्र श्रीमाली है, पवन गोयल का सपोर्ट करते हैं, बीजेपी, पवन गोयल जी का सपोर्ट करेंगे, जितेंद्र जी श्रीमाली, पवन गोयल, जितेंद्र जी श्रीमाली, पवन गोयल का, सब कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी का। यहाँ की प्रमुख तीन बड़ी समस्याएं क्या हैं? सबसे बड़ी समस्या एक तो यातायात की है यहाँ पे, दूसरा सफाई की है, पेयजल की समस्या है, अपराधों को कम करवाना, सड़कों की है थोड़ी बहुत, और पानी की निकासी की है। रोड पे पानी भरा रहता है बरसातों में एक तो, और सफाई थोड़ी सही ढंग से नहीं होती है। वैसे ट्रैफिक, अतिक्रमण और फाटक, पानी, रोड, सड़कें वगैरह, गंदगी वगैरह होती रोडों पे, बस सीवर लाइन की जगह कचरा, कचरा, ट्रैफिक, पानी की, बिजली की, और ये सड़कें टूटी फूटी हुई है, सड़कें खराब है, बेरोजगारी ज्यादा है, क्राइम ज्यादा हो रहा है, सुम नहीं है यहाँ पे, कैमरों की थोड़ी सुविधा हो जाए, सफाई, पानी की है भयंकर समस्या है, पानी का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ, रोड की, पानी की। एक तो प्रमुख समस्या थोड़ा सा ट्रैफिक का है, थोड़ा सा रोड साइड जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, और मतलब सफाई वगैरह को लेकर जो थोड़े से प्रॉब्लम्स रहती है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है और साफ सफाई के। तो रोड बनवाने और लाइट की समस्याएं, पानी की है, पानी की है, सफाई की और लाइट, लाइट। नमस्कार, दावेदारों की आवाज सीधे जनता तक में आप सभी का स्वागत है। आज इसी कड़ी में आज हमारे साथ है पवन गोयल जी, जो कि मालवीय नगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है। पवन गोयल जी, आपका स्वागत है दावेदारों की आवाज सीधे जनता तक में। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आप अपनी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, अगर आपको टिकट मिल भी जाती है, आप जीत भी जाते हैं, तो आने वाले 5 साल बाद कैसा मतलब बदलाव देखने को मिलेगा? मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूंगा कि मालवीय नगर विधानसभा में 3 बार चुनाव हुए और 3 बार कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई यहाँ पे, और विरोधी पार्टी से प्रत्याशी रहे, और जहां तक मैं सोचता हूँ कि जो विकास मालवीय नगर विधानसभा में होना चाहिए वो विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। चाहे हम सड़कों की समस्या देखें, यहाँ ठेलों की समस्याएं देखें, आपने देखा होगा यहाँ ठेला माफिया भी पनप गया है, हफ्ता वसूली यहाँ शुरू हो गई है, और बहुत सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती है। दूसरी एक समस्या ये आती है कि पेयजल की जो समस्या है कच्ची बस्तियों में और कॉलोनीज में, जो पानी की लाइन जर्जर हो गई है, वो उसको भी बदलने की बहुत बहुत आवश्यकता है। और जो सफाई व्यवस्था है जो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि मालवीय नगर विधानसभा जो है पूरे मतलब राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, और जयपुर में मालवीय नगर विधानसभा एक दिल है, और मालवीय नगर विधानसभा में आप देखेंगे कि विधानसभा भी यही है, SMS भी यही है, बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी यही है, और बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ, अच्छी कॉलोनीज है, बड़े रोड्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। उस हिसाब से इस विधानसभा में प्रॉपर सफाई की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए, वो है नहीं। यहाँ बहुत सारे पार्क हैं, पार्कों में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ कोई रखरखाव नहीं है प्रॉपर, वहाँ कोई संभालने वाला नहीं है, वहाँ लाइटों की व्यवस्था नहीं, रात को बड़े असामाजिक तत्व वहाँ रहते हैं, तो बहुत सारी कॉलोनी से शिकायतें आती रहती है, हम हमारे स्तर पर उनको निपटाते हैं। तो ऐसी बेसिक जो चीज़ है मालवीय नगर विधानसभा में, अगर हम इन पे गौर करें तो एक आदर्श विधानसभा बन सकती है। बिजली की लाइनों को देखें, अभी भी बहुत सारी भूमिगत होने के हैं उसमें, उस पर भी कार्य अभी तक नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर हमें पार्टी टिकट देती है, हम प्रत्याशी बनते हैं, तो ये सारी हमारी मेन प्राथमिकता है। आपके क्षेत्र में जो क्षेत्र है विधानसभा मालवीय नगर, उसमें 3 सबसे बड़े अहम मुद्दे क्या है वहाँ के? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा एक तो ट्रैफिक का है। यहाँ जितने भी बड़े बाजार हैं इस विधानसभा, चाहे राजा पार्क को ले लें, हम टोंक रोड को ले लें, चाहे हम स्वेज फार्म को ले लें, मालवीय नगर के मार्केट्स को ले लें, तो इनमें सबसे बड़ी समस्या जो है ट्रैफिक की है, उससे बड़ी समस्या पार्किंग की है। यहाँ जो ठेला मार्केट बन चुका है, जो बदरंग कर रहा है, जो एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारा कार्य करने की जरूरत है। और जो कॉलोनीज में पट्टे नहीं बटे हैं उनमें व्यवस्थित हो, उनका भी विकास हो, उनको पट्टे मिले, तो एक सुंदर और एक आदर्श विधानसभा ये बने। जितने भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, उनमें आप अपने आप को सबसे अलग कैसे मानते हैं? देखिए, अलग तो इस रूप में मानते हैं क्योंकि मेरी पार्टी में हर कार्यकर्ता से बिल्कुल क्लोज रिलेशन है, उनके सुख में दुख में हमेशा मैं रहता हूं, और मैं आज यहां बैठा हूं तो सबसे इजी कनेक्टिविटी है।
मैं यहाँ रहता हूँ तो जो भी यहाँ से निकलते हैं कार्यकर्ता हो या पार्टी के कोई भी नेता हो, सबसे मैं मिलता हूँ, कोई तकलीफ होती है तो मेरे को सीधा फोन कर देते हैं। हो सकता है मैं कई बार नहीं उठा पाऊँ तो मैं उनको रेस्पॉन्ड जरूर करता हूँ। तो एक एक आत्मिक जुड़ाव है मेरे पास मालवीय नगर विधानसभा के हर कार्यकर्ता से, क्योंकि जब ये विधानसभा बनी थी उस वक्त संगठन 15 साल पहले बना था ये, तो एक एक जो संगठन के पदाधिकारी हैं बड़े समझ के और उनको उनको संगठन में जगह थी और आज भी वही लोग काम कर रहे हैं और भी कारवां जुड़ा है, लेकिन जो गुलदस्ता बना है तो वो सारे कार्यकर्ता आज भी पूरी विधानसभा के में से जुड़े हुए हैं। साथ के साथ मैं व्यापारी वर्ग से आता हूँ और विभिन्न व्यापार मंडलों के संगठन में जुड़ा हूँ। मैं जयपुर व्यापार मंडल में संरक्षक हूँ जिसमें 125 बाजार आते हैं। तो जब बड़े स्तर की समस्या होती है व्यापारियों की तो हम जयपुर व्यापार मंडल के माध्यम से पूरे जयपुर को एक करके और वो आवाज़ उठाते हैं, सरकार तक पहुँचाते हैं और उस पर निर्णय करवाते हैं व्यापारियों के हित में। और मैं 20 साल से तो हवा सड़क बाईजाम व्यापार मंडल से अध्यक्ष हूँ, गोपालपुरा व्यापार मंडल से अध्यक्ष हूँ और 40 में मैं उपाध्यक्ष हूँ और विभिन्न जो व्यापारिक संगठन है उन सब में मैं हूँ। तो व्यापारियों की जो बात आती है तो हम उसको सरकार तक पहुँचाते हैं, बड़े स्तर की हो चाहे छोटे स्तर की हो, तो उनका समाधान करते हैं। तो व्यापारियों से मेरी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। यहाँ आप सिर्फ मालवीय नगर विधानसभा की समस्या नहीं सुलझाते, पूरे जयपुर की सुलझा रहे हैं इस टाइम। अभी तक आपने 3 ऐसे उत्तम कार्य क्या किए अपने विधानसभा में? देखिए, हमने 22 गोदाम में जो सबसे बड़ा काम जो था कि जो ट्रैफिक जाम की व्यवस्था रहती थी, जो पटेल नगर एरिया है उसमें फ्लाईओवर के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया हमने, वो फ्लाईओवर बना और उसके बाद वहाँ लगभग 15,000 से 20,000 लोगों को राहत मिली क्योंकि वहाँ बड़ी जाम की व्यवस्था रहती थी जब रेलवे क्रॉसिंग फाटक था। उसके बाद ये फ्लाईओवर अभी जो बारह जोड़ो सेतु बना है तो उसकी वजह से भी वहाँ जाम की व्यवस्था रहती थी, उसकी हमने लंबे समय से मांग की और बहुत जल्दी उसका भी हुआ। उसके बाद 10 साल से रास्ता बंद था पटेल नगर और सिविल लाइन्स के बीच में, तो वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते थे, यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा सकते, उसके लिए हमने संघर्ष किया और वो रोड अभी खुल चुका है, उससे 15,000 से 20,000 लोगों को राहत मिली। महेश नगर की बात करें तो यहाँ भी जो रोड पे इतने ज्यादा वेंडर्स हुआ करते थे, ठेले वेले की समस्या थी, उसको हमने उठाया और निगम से समय समय पर, कई बार यहाँ असामाजिक तत्वों का इतना जमावड़ा रहता था, अवैध शराब की दुकानें थी उनको बंद कराने का हमने काम किया और एक ट्रेड टैक्स जो लगने वाला था जो पूरे व्यापारियों पे था उसके लिए हमने काम किया। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं वो हम करते रहते। कोविड में हमने बहुत सारा काम किया, मालवीय नगर विधानसभा में जितनी भी कच्ची बस्तियां थी, जितने भी लोग थे जरूरतमंद थे उन तक हमने फूड पैकेट और फूड भिजवाने की व्यवस्था की, सैनिटाइजर की व्यवस्था की, तो बहुत सारा हमने 2 साल तक विधानसभा में खूब काम किया। इतने प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, टिकट एक को मिलनी है, अगर आपको बाय चांस टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? हम पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी हमें जो भी जिम्मेदारी आज तक मुझे दी है वो हमने बड़ी ईमानदारी से निभाई है। पार्टी मौका देती है तो हम पूरी कोशिश करेंगे सीट जीते भी और जनता की और मैं अच्छे तरीके से सेवा कर पाऊँ। अगर पार्टी मौका नहीं भी देती है तो भी हम पार्टी के सच्चे सिपाही पार्टी के हम साथ रहेंगे। हम चाहते हैं ये विधानसभा जीते, हम 3 बार हारे हैं और सामने जो प्रत्याशी रहा है वो वैसे भी जैसे मालवीय नगर की बात करें वैश्य वर्ग की बहुलता है, मैं वैसे बात करूं क्योंकि एक पक्ष नहीं होता लेकिन वो 3 बार वो जीते हैं, 2 वैश्य वर्ग से हैं वो, तो उस चीज को भी थोड़ा सा कंसिडर करेंगे। तो जो कोर वोट बैंक है बीजेपी का वो हमारे साथ जुड़ता है, पार्टी के साथ जुड़ता है और मेरा तो सभी लोगों से इतना प्यार है, इतना स्नेह है, सब लोग मेरे साथ हैं तो सब लोग निकल के आएंगे, ये सीट हम जरूर निकालेंगे, जीतेंगे। एक हमारा इसी कड़ी में एक रैपिड राउंड भी होता है जिसमें एक वर्ड कहूंगा उसके बारे में आपको कहना है, जैसे मैं कहता हूँ विकास तो आप क्या कहेंगे? अशोक गहलोत। अच्छा, नरेंद्र मोदी। धरातल के आदमी नहीं हूं। अच्छा, सीएम अशोक गहलोत। जन जन के नेता। सचिन पायलट। युवा शक्ति है। विधानसभा का नाम आपके? मालवीय नगर विधानसभा। भारत जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है? सारे जहां से अच्छा। किसान अन्नदाता है। इसी आपने देखा इस कड़ी में बहुत अच्छा हमारा पवन गोयल जी से रहा, विधानसभा को लेकर मुद्दों पे बात की आज हमने इसी कड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद पवन गोयल जी, आप हमसे जुड़े और जनता तक की जो आपकी जो दावेदारों की आवाज जो नैश लेके आए, दावेदारों की आवाज सीधे जनता तक, आज आपकी आवाज सीधे जनता तक पहुंचेगी और बहुत बहुत धन्यवाद।